धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय, आज आपने मुझे रेलवे बजट पे बात करने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपकी अत्यंत आभारी हूँ। सर्वप्रथम मैं माननीय रेल मंत्री सुरेश प्रभु जी को हार्दिक बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने पूरे देश के इतने लोगों की उम्मीदों पे खरा उतरने के लिए, सबका साथ सबका विकास, ये जो आदरणीय मोदी जी का नारा है उसको सच करने के लिए इतनी उम्मीदों से भरी दबावपूर्ण स्थिति में जिन मुद्दों को लेकर बजट पेश किया है वो एक बेहद ही बैलेंस्ड और कंज्यूमर फ्रेंडली बजट है, ऐसे मैं मानती हूँ। यह इस किस्म का पहला बजट होगा जिसमें केवल धनराशि घोषित करने पर केंद्र बिंदु न रखकर रेल में सफर करने वाले यात्रियों का सफर हिंदी भाषा के अर्थ वाला सफर बने, ना कि अंग्रेजी भाषा के अर्थ वाला सफर बने, इस पर रेल मंत्री जी ने बेहद ध्यान रखा है। उन्होंने इस बात का ध्यान रखा है कि नए प्रोजेक्ट डिक्लेयर करके चंद मिनटों की तालियां बटोरने के बजाय जो उपलब्ध साधन हमारे पास हैं उनके साथ भारतीय रेल को कैसे सशक्त बनाया जाए। कुछ चंद चीज़ों का मैं जिक्र करना चाहूँगी। मोटे तौर पे अगर इसका हम विभाजन करें तो 4 S को लेके ये बजट बनाया गया, जिसमें पहला S सुविधा या सहूलियत, जिसमें ऑपरेशन 5 मिनट है, पानी के ज़्यादा वेंडिंग मशीन हो, ई केटरिंग का मुद्दा है जिसमें अच्छे और पसंदीदा खाने की सुविधा है, मोबाइल चार्जिंग की सुविधा है, ट्रेनों के आगमन तथा निर्गम के जानकारी SMS पर उपलब्ध करवाना है, डिफरेंटली एबल यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखना है। दूसरा है सुरक्षा का है, जिसमें 2 हेल्पलाइंस शुरू कर दी गई हैं जिसमें रियल टाइम बेसिस पे लोगों को अपनी शिकायतें दर्ज कराने का मौका मिलेगा और उनका समाधान मिलेगा। महिलाओं की सुरक्षा के हेतु सर्वेलेंस कैमराज की प्रबंध किया गया है। तीसरा है सशक्तिकरण का है, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र में साझेदारी और अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्राइवेट सेक्टर भागीदारी करने की बात रखी गई है। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण है स्वच्छता का है, जिसके लिए ट्रेन और स्टेशनों की स्वच्छता की निगरानी के लिए एक स्वतंत्र डिपार्टमेंट, 17,000 बायो टॉयलेट्स का निर्माण, वैक्यूम टॉयलेट्स का पायलट प्रोजेक्ट, वेस्ट एनर्जी का प्लांट बनाना, ऐसी कई बातों का ध्यान रखा गया है। इन 4 S के साथ ये बजट खुद एक 5वां S यानी सफल बजट साबित हुआ है। इसके अलावा 4 रेलवे अनुसंधान केंद्र खोलने की योजना भी प्रशंसनीय है और हमारे कृषि प्रधान देश में किसान यात्रा जैसी विशेष योजना का प्रावधान करना इस बजट को एक परिपूर्ण बजट बनाता है। जहां तक मेरे चुनाव क्षेत्र की बात आती है, मैं तहे दिल से माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ कि मेरे चुनाव क्षेत्र में 20 वर्ष से जो प्रश्न प्रलंबित था, अहमदनगर बीड परली रेलवे, इसके ऊपर उन्होंने 144 करोड़ का बजट सैंक्शन करके आज तक के इतिहास में सबसे बड़ा बजट ये साबित हुआ है। इसके लिए मैं तहे दिल से केवल अपनी ओर से नहीं तो मेरे जिले के हर इंसान की ओर से उनका शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि ये रेलवे का प्रोजेक्ट मेरे इलेक्शन मैनिफेस्टो का एक मुद्दा नहीं था, ये बीड जिले के हर नागरिक की इच्छा और मेरे पिताजी जननायक स्वर्गीय गोपीनाथ राव जी मुंडे इनका एक सपना था और इस सपने को पूरा करने में प्रभु जी साक्षात प्रभु का रूप लेके हमारे सामने आए हैं। इसके लिए मैं तहे दिल से पूरी बीड की जनता की ओर से उनका आभार प्रदर्शित करती हूँ। जस्ट मिनट सर, क्योंकि हर कोई अपनी डिमांड आगे रख रहा है तो तारीफ के साथ मैं भी एक डिमांड अपनी आगे रखूंगी कि 2 साल पहले के बजट में मुंबई लातूर एक्सप्रेस जो सैंक्शन हो चुकी थी उसको परली तक बढ़ाने की अनुमति रेलवे मंत्री जल्द से जल्द दे, ये मैं उनसे दरख्वास्त करना चाहूँगी। अंत में इतना ही कहूँगी कि सब लोगों को लग रहा था कि पैसेंजर फेयर शायद बढ़ जाएंगे बजट के बाद, पर आपने पैसेंजर फेयर बढ़ाए नहीं। मंत्री जी, आपने आपके भाषण में विनोबा भावे जी की एक बात कही थी, मैं भी अपनी बात उनकी ही एक बात आपके सामने रख के मैं अपनी बात खत्म करूंगी। प्रभु जी, आपने ये सिद्ध कर दिया है कि सेवा के लिए केवल पैसे की जरूरत नहीं होती, जरूरत होती है तो अपने संकुचित विचार छोड़ने की। वी नीड टू फोकस ऑन बिगर पिक्चर फॉर बेटर इंडिया एंड बेटर फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच।